गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें गैप अप मार्केट के अंदर नजर आ रहा है, तो यहाँ पे हम कैसा प्लान मार्केट के अंदर बनाने वाले हैं, यहाँ पे हम बाय मार्केट के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। अगर कोई सेलिंग आ रहा है तो फिर हम इंतजार कर लेंगे मार्केट में, लेकिन करना हमें बाइंग ही है, और ऐसा ही अपना निफ्टी के अंदर प्लान है। तो विद रिट्रेसमेंट करेंगे, अगर ऊपर जा रहा होगा और अगर नीचे आ रहा होगा तो हमें कहीं पर भी बाय करने का मौका मिलेगा, कोई सेटअप बनेगा, कोई कैंडल नजर आएगा स्ट्रॉन्ग, वहीं पर बाय करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे हम काम करने वाले हैं, तो जस्ट मार्केट ओपन होने वाला है, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। तो चलिए मार्केट के अंदर हम यहाँ पे पोजीशन बनाने वाले हैं। बैंक निफ्टी, निफ्टी में तो सेलिंग कम है थोड़ा, बैंक निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग आ रहा है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हम मार्केट में बाय कर लेंगे। ये तो एक अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट हमें डाउनसाइड मिल रहा है, अदरवाइज अगर मार्केट कंटिन्यू अपसाइड निकल जाता फिर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती मार्केट के अंदर। तो 800 क्वांटिटी मार्केट के अंदर हम यहाँ पे बाय करेंगे। उसके बाद डरो मत, यहाँ पे डरने का काम नहीं है मार्केट में, आराम से हम काम करेंगे। लॉस होगा तो देखा जाएगा, लेकिन मार्केट में हमें बाय करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अपना यहाँ पे निफ्टी का पोजीशन बनाएंगे, 800 क्वांटिटी को यहाँ पर बाय कर लेते हैं। तो अभी मार्केट में अपना 1000-2000 के अराउंड लॉस नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं मार्केट के अंदर हमने कॉल साइड का पोजिशन क्यों बनाया। देखिए कहीं ना कहीं मार्केट में अगर हम कल का चार्ट देखेंगे तो हमें एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ से सेलिंग हुआ, 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 ठीक है। और मार्केट में अगर हम देखेंगे, कल जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो एसएल वगैरह क्रिएट करने पड़ेंगे। अदरवाइज मार्केट में जब हम प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे तब मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि हो सकता है हमें सेलिंग वगैरह भी देखने को यहाँ से मिल सकता है। तो यही रीजन था, यहाँ पे जो सेलिंग आ रहा है ना मार्केट के अंदर, कहीं ना कहीं मार्केट में ऊपर एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए मार्केट को सेलिंग में आना पड़ा। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि जैसे ही मार्केट के अंदर सेलिंग आया होगा तो कुछ ना कुछ सेलर यहाँ पे जरूर बैठे होंगे, और अगर यहाँ पे सेलर आया होगा मार्केट को थोड़ा बहुत नेगेटिविटी यहाँ पे दिखाया गया। एक तो रीजन ये भी था कि कहीं ना कहीं निफ्टी कल ज्यादा मोमेंटम कर रहा था, इसलिए बैंक निफ्टी मोमेंटम नहीं कर पा रहा था। दूसरा, यहाँ पे एसएल वगैरह भी मार्केट के अंदर इस रेजिस्टेंस के ऊपर अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए कहीं ना कहीं मार्केट क्या कर रहा था, अपने आप को डाउनसाइड होल्ड कर रहा था, बार बार रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट को एसएल चाहिए थे, तो वो मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पे बना दिए थे बार बार मार्केट को नीचे जाकर। तो अगर किसी ने यहाँ पे सेलिंग किया होगा तो वो ब्रेकआउट होने के बाद में भी मार्केट को काट सकता है। इस थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग मैंने बाय किया, हालांकि मेरा प्रॉफिट होगा या नहीं होगा वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन अब मार्केट के अंदर अच्छा मोमेंटम आया हुआ है तो प्रॉफिट देखना देख ही लेते हैं। अरे मुझे तो लगा अच्छा चलेगा, लेकिन ये कुछ नहीं चल रहा है। 10,000 के अराउंड अपना प्रॉफिट चल रहा है, मुझे लगा ये बहुत अच्छा प्रॉफिट नजर आया। कैंडल काफ़ी अच्छे थे, लेकिन मुझे लगता है कि मोमेंटम काफ़ी बार ऐसा ही होता है कि हमें अच्छे प्रॉफिट नजर नहीं आते। खैर कोई बात नहीं, अभी भी देखिए हमें ब्रेकआउट की तो आवश्यकता होगी मार्केट के अंदर। जब तक ब्रेकआउट मार्केट नहीं करेगा तब तक हम ये नहीं कह सकते हमारा प्रॉफिट होने वाला, ब्रेकआउट होना जरूरी है मार्केट के अंदर। और अगर ये पहले निफ्टी में ब्रेकआउट हो गया फिर कल की तरह बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर लेगा और निफ्टी थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा फिर रिजेक्ट करेगा, तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अपना अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल रहा है मार्केट के अंदर, तो ज़्यादा घबराने वाली बात तो नहीं है। लेकिन हाँ, ब्रेकआउट का थोड़ा हो जाए ना तो फिर मार्केट में जो कन्फ्यूजन है कि मार्केट में कहीं काफ़ी बार क्या होता है, समस्या आप समझिए कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे सेलर के एसएल पड़े तो मार्केट उनको खाने के लिए ऊपर ही चला जाएगा, मार्केट नीचे भी आ सकता है। क्योंकि हो सकता है जो सामने वाला सेलर हो सकता है वो ऑपरेटर बैठा हो मार्केट के अंदर, या कोई बड़ा पैसा मार्केट को नीचे ले जाना चाहता हो। क्योंकि जैसे एक रिटेल ट्रेडर की फाइट होती है ना कि हम बाय कर रहे हैं, कोई सेल कर रहा है, कोई सेल कर रहा है तो कोई बाय कर रहा है, वैसे ऑपरेटर में भी ऐसा होता है कि कोई बाय करना चाहता है मार्केट के अंदर, कोई सेल करना चाहता है मार्केट के अंदर, तो जो जिसका समझ में आएगा वो वैसे काम करेगा। लेकिन ओवरऑल हमें जो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रक्चर को देखकर जो हम ऑपरेटर के अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करते हैं उसके अकॉर्डिंग यही बन रहा था कि हम बाय मार्केट के अंदर कर सकते हैं। कल कहीं ना कहीं मार्केट ने बैंक निफ्टी को नेगेटिविटी में दिखाया था, यहाँ पे जो भी सेलर थे कहीं ना कहीं बायर को तो देखिए बार बार मार्केट निकाल रहा था। आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे देखिए ये एक सपोर्ट मान लीजिए और मार्केट ने ब्रेकडाउन भी किया, कहीं ना कहीं बायर को तो फिर भी मार्केट निकाल रहा था, फिर भी उनके एसएल वगैरह खा रहा था, लेकिन सेलर को कभी भी नहीं निकाला। जैसे ही कोई सेलर बैठा होगा आराम से उसे प्रॉफिट नजर आया होगा, यहाँ पे भी आराम से प्रॉफिट नजर आया होगा, यहाँ पे भी आराम से प्रॉफिट नजर आया होगा, और ओवरऑल मार्केट नेगेटिविटी दिखाकर मार्केट ने काम किया था। तो कहीं ना कहीं सेलर तो यहाँ पे बैठे होंगे, लेकिन अगर मार्केट इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाता है और निफ्टी में जो ब्रेकआउट हुआ वो फेल हो जाएगा तो फिर थोड़ा बहुत हमें दिक्कत हो सकता है, जो भी हमें नजर भी आ रहा है। तो जस्ट हमें यहाँ पे वेट करना होगा।
तो यहाँ पे अपनी पोजिशन में 50,000 के अराउंड मार्केट के अंदर प्रॉफिट नजर आ रहा है। निफ्टी ने अच्छा मोमेंटम किया, बैंक निफ्टी ने मोमेंटम करना तो शुरू किया था, लेकिन अब मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिजेक्शन भी आ रहा है। इससे भी अच्छा प्रॉफिट हम मार्केट के अंदर देख चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिजेक्शन जो आ रहा है तो निफ्टी में ऑलरेडी मोमेंटम हो जाता है, फिर बैंक निफ्टी को अपने आप को थोड़ा बहुत होल्ड करना पड़ता है। ये बातें तो आपको इंडेक्स की पता होगी, लेकिन जब तक मार्केट में जैसे हमने पोजिशन क्यों बनाया था वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपका पोजिशन क्लियर पॉइंट में बनेगा तो फिर मार्केट में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अपना जो पोजिशन बना था केवल और केवल इसलिए मार्केट के अंदर बना था कि यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं उनको मार्केट निकालना चाहिए। हालांकि छोटा सा ब्रेकआउट मार्केट के अंदर किया है, लेकिन वो इनफ नहीं है मार्केट में सेलर को निकालने के लिए। एक छोटा ब्रेकआउट नहीं बनेगा, मार्केट में हमें अच्छा ब्रेकआउट चाहिए, तभी जाकर ही अपनी सेलर वगैरह पोजिशन काटेंगे। तो जब वो काट लेंगे उसके बाद हम मार्केट में निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा अपना अभी प्लान है। तो रिजेक्शन वगैरह आ रहा है, लेकिन मार्केट के अंदर मोमेंटम अच्छा है, हमारा प्रॉफिट भी ठीक ठाक चल रहा है। और शायद मैंने आपके साथ प्रॉफिट लॉस डिस्कस नहीं किया, तो अब तो लॉस की तो बात नहीं करें क्योंकि हम ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास ट्रेड करके आ रहे हैं। लगभग हम 70-80 हज़ार रुपये मार्केट के अंदर देख चुके हैं, तो अब लॉस तो मार्केट के अंदर बिल्कुल भी नहीं लेने वाले। लेकिन अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि अगर कैंडल वगैरह अच्छे बने, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, तो 1 लाख के आसपास मैं प्रॉफिट निकाल पाऊँ, अदरवाइज उसके आसपास ही निकालने की कोशिश करूँगा, कम करने की ज़्यादा कोशिश नहीं करूँगा। जैसे मार्केट के अंदर मोमेंटम आएगा मार्केट के अंदर हम निकालना शुरू कर देंगे। तो अभी अपना 62,000 के अराउंड प्रॉफिट नज़र आ रहा है, और अब ऐसे अगर कैंडल बनते हैं ना तो हिम्मत बनती है, कॉन्फिडेंस आता है कि जो हम सोच रहे हैं वही मार्केट करना चाहता है। और जैसे मार्केट अगर डाउनसाइड का कैंडल बनाएगा तो वहाँ पे थोड़ा बहुत देखिए माइंड में हलचल तो होता है कि हम टारगेट अगर निकाल देते तो ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, लेकिन कहीं ना कहीं आपको याद रखना चाहिए कि अगर बड़ा टारगेट आपको करना है तो कुछ ना कुछ आपको मार्केट में ऐसी बातें देखनी पड़ेगी जो आप देखना नहीं चाहते। कि आप मार्केट में टारगेट बुकिंग करके जाना चाहते हो आप जा सकते हो, लेकिन अगर आप बड़ा टारगेट करना चाहोगे तो मार्केट में कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है। तो जैसे दिल की धड़कन ऊपर नीचे चलती है वैसे ही मार्केट चलता है, ऊपर चला गया नीचे चला गया, तो ऐसे आपको देखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आपको चार्ट समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको यहाँ से समझ में आएगा कि ऑपरेटर काम कैसे करता है। अब आप यहाँ पे समझिए कि मार्केट हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ये कैंडल आप देखिए जो 4-5 मार्केट ने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बनाए, वो कैसे कैंडल मार्केट ने बनाए। यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बनाकर आपको टाइम दिया जाता है, जैसे ग्रीन कैंडल बनेगा आपको लगेगा बाय कर लेते हैं, जैसे रेड कैंडल बनेगा आपको लगेगा सेल कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई बड़ा कैंडल नहीं बन रहा होगा, इस वजह से आप डायरेक्शन को सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। अगर यहाँ पे कोई बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन जाए तो मे भी आप सेलिंग करने में डर जाओगे, अगर यहाँ पे कोई बड़ा सा रेड कैंडल बन जाए तो तब भी आप मे भी बाय करने के लिए डर जाओगे। लेकिन जब मार्केट में छोटे छोटे कैंडल बनते हैं तो मार्केट में ट्रेडर ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है, उसे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। अब यहाँ पे ये फैसला हो गया कि कोई बाय करेगा कोई सेल करेगा, थोड़ा उन्हें कन्फ्यूज़ किया जाता है, फिर मार्केट में उन्हें डायरेक्शन दिया जाता है। डायरेक्शन कैसा मिलता है, उन्हें रेड साइन दिया जाता है कि नहीं मैं तो गिरने वाला हूँ, आप मुझे सेल कर लो। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या किया जाता है, थोड़ा कन्फ्यूज़ किया जाता है कि मैं बाइंग में जाऊँगा सेलिंग में जाऊँगा, और ट्रेडर भी कन्फ्यूज़ हो जाता है। फिर उसे एक डायरेक्शन बना के दिया जाता है कि देखो मैंने यहाँ पे एक रेड कैंडल बना दिया, अच्छा कैंडल बनाया, जो आप सोच रहे थे ना कि मैं सेलिंग में जाने वाला हूँ तो मार्केट सेलिंग में जाएगा। तो जैसे ही आप डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करोगे इस कैंडल को देखकर, उसके बाद मार्केट क्या करेगा, आपकी एसएल खाने के लिए ऊपर चला जाएगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ऊपर जाएगा, देखिए मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया डायरेक्ट ऊपर नहीं निकला, फिर से नीचे आ गया, लेकिन ये जाने वाला है ऊपर ही, नीचे नहीं आएगा मार्केट। तो ऐसे आपको देखना चाहिए कि ऑपरेटर कैसे समझता है। अब देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बात को क्लियरली समझ पाओगे कि ऑपरेटर कहाँ पे कैसे काम कर रहा है, हो सकता है कहीं ना कहीं मार्केट में आप सोच रहे हो आप गलत भी साबित हो सकते हो। लेकिन मार्केट में देखिए जब आपका पोजीशन बन चुका है, आप आराम से प्रॉफिट में बैठे हो या फिर आपका लॉस चल रहा है, तो वहाँ पे लॉस में तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, लेकिन प्रॉफिट में कोशिश करना चाहिए कि मार्केट को समझने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपका जो माइंडसेट है ना कहीं मार्केट से अटैच हो जाता है, फिर आप ज़्यादा सही से मार्केट को समझ पाओगे। तो अभी मार्केट में हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, तो अच्छा प्रॉफिट हम यहाँ पे कैप्चर करेंगे। क्योंकि मार्केट देखिए अगर उसे जाना भी ऊपर होता ना, फिर भी वो धीरे धीरे सेलर को इकट्ठा करके चलता है कि चलो आप भी आ जाओ आप भी आ जाओ, कोई रहता पीछे से आवाज़ दे देता कि मैं रह गया, चलो आप भी आ जाओ सेलिंग करना चाहते हो, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर चलना शुरू करता है। तो यहाँ पे अपनी पोजिशन में 1,12,000 के अराउंड प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है, और मार्केट के अंदर हमें ठीक ठाक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। कोई बड़ा कैंडल तो मार्केट ने नहीं बनाया, लेकिन अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब हमें ज़्यादा प्रॉफिट कम नहीं होने देना, 1 लाख तो मिनिमम हम लेके जाने वाले हैं मार्केट से।
क्योंकि लालच करके हम बैठे रहते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन थोड़ा बहुत अगर जैसे रिजेक्शन आएगा प्रॉफिट ज्यादा कम कर सकता है मार्केट। अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बन जाता और अच्छा प्रॉफिट हमें नजर आना शुरू हो जाता है, या फिर 1 लाख के ऊपर ऊपर ट्रेड मार्केट करता रहता, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही प्रॉफिट कम करेगा तो फिर हम ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि जहाँ पे हम बड़ा टारगेट करने का मार्केट के अंदर प्लान रख सकते हैं। अगर अच्छा कैंडल बनता तो मे बी मैं वेट कर लेता। तो मार्केट के अंदर हमने पोजिशन क्यों बनाया था? देखिए, पोजिशन बनाने का कहीं ना कहीं हमने डायरेक्शन इस प्रकार आइडेंटिफाई मार्केट के अंदर किया था कि यहाँ पे अगर हम प्रीवियस चार्ट को देखें तो बार बार कहीं ना कहीं सेलिंग नजर आ रहा है, और यहाँ पे जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास होता है तो मार्केट में जैसे ही कोई रिजेक्शन आता है, जैसे ही मार्केट के अंदर कोई बाइंग आता है, तो बायर और सेलर काफी ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और वो पोजिशनल मार्केट में बड़े पॉइंट निकालने के लिए बैठ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था कि अगर मार्केट में हमें गैप अप देखने को मिलता है तो हम मार्केट में बाइंग का प्लान एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जैसे मार्केट में थोड़ा बहुत ज्यादा गैप ओपन होता है, थोड़ा बहुत साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए रिजेक्शन वगैरह तो दे देता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस के नीचे काम नहीं किया और जैसे मार्केट में अच्छे कैंडल वगैरह बनने हमें नजर आना शुरू हो गए और निफ्टी में भी ठीक ठाक अपने आप को होल्ड करा था, हमने मार्केट के अंदर बाय कर लिया। अब यहाँ पे जैसे आपको मैं समझा रहा था कि आपको देखना चाहिए कैसे मार्केट ने वेट किया, वेट करने के बाद रिजेक्शन किया, रिजेक्शन करने के बाद आपके माइंड के अंदर एक डायरेक्शन डाला गया कि मैं वहां पे जाने वाला हूं, उसके बाद मार्केट में जो एक्चुअल डायरेक्शन था वो हमें नजर आया। तो ऐसे मार्केट में आपको समझना पड़ेगा, लेकिन समझोगे कब? जब आप प्रॉफिट में बैठे होगे, जिस दिन आपका लॉस चल रहा होगा ना, वहां पे मार्केट को समझना मुश्किल होता है, वहां पर तो मार्केट को भी देखना मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं आपको समझाता हूं, या तो जब आपका कोई ट्रेड नहीं चल रहा होगा वहां पे आपको मार्केट समझ में आएगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा अगर आपको मार्केट में पोजिशन के साथ समझना है तो फिर जब जिस दिन आपका प्रॉफिट चल रहा हो उस दिन आपको ज्यादा समझ में आया। जब मार्केट में लॉस चल रहा होता ना तो वहां पे ट्रेडर क्या करता है, अपनी पोजिशन को ही देखता रहता है कि कहाँ पे कटेगा कहाँ पे कटेगा, तो वो ज्यादा समस्या होती है। तो मार्केट में लॉस वाले दिन तो ज्यादा समझ में नहीं आता, डर लगता है मार्केट को देखने से, लेकिन जिस दिन आपका प्रॉफिट चले उस दिन आप इस प्रकार की जो बातें होती है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि मार्केट ने कैसे वेट किया, उसके बाद कैसे एक डायरेक्शन को डाला गया। अब ये बातें वैसे कैंडल से आपको समझ में नहीं आएगी कि मार्केट क्या करना चाहता है, इसके लिए आपको अपना माइंडसेट लगाना पड़ेगा कि मार्केट ने यहाँ पे वेट किया, वेट करने के बाद कैसे एक डायरेक्शन को डाला जाता है मार्केट के अंदर, जैसे बाय करने के लिए आते हैं वैसे ही दोबारा से रेड कैंडल बनाया जाता है, फिर मार्केट को ऊपर ले जाया जाता है। तो अच्छा प्रॉफिट बना, मार्केट ने ठीक ठाक काम किया, निफ्टी लग रहा था ज्यादा भागेगा लेकिन बैंक निफ्टी ने अच्छा मोमेंटम कर दिया। धन्यवाद।